एकजुट होकर के चलेंगे उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में जो विपक्ष हमारा नहीं बात है मतलब हमारा है सपनों से बातचीत करना और सब कुछ करना हम नेतृत्व का हम कह रहा सपना देखें हाँ, मतलब सबका कन्वेनर के रूप में कराने का बात करते रहते हैं वो करते रहेंगे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े आज जो स्थिति है समाज में किस तरह का टकराव पैदा किया जा रहा लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है भाई ठीक नहीं है हमको अच्छा नहीं लग रहा आप जान रहे हम डेढ़ दो महीना से डेढ़ महीने से बात कर रहे थे जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी हम किसे बात नहीं कर रहे थे और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया अच्छा एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए को हाँ तो बात हुई हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा और पहले से भी जब चुनाव हुआ था तब भी लोगों ने बताया था जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला हारा है तो एक एक बात था हम लोगों के हम बातें दूसरा है हम किए रहते थे अब बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई अपने दल को सुरक्षित रखना है जी सबकी इच्छा है तो उसको देखते हुए ना करेंगे आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण थे बहुत गड़बड़ किया किसी का भी जिसको सबसे अधिक दिया आप सोचिए ना 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का सबका आने लगा और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए छह महीना के अंदर जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए और इनको बना दिया आप जानते ही ललन जी को तो ये हो गए तो छह महीना के लिए रहा आजकल रोजे लिखता है कि ये थे पूर्वर कोची थे कोई बनाया था पार्टी अरे हम ही ना लोगों को कह दिए कि अब हम छोड़ रहे हैं और हमारी इच्छा है इसको बना दी तो लोग मेरी बात मानते रहा पार्टी का सब लोग और उसके आगे भी कभी कोई इधर उधर होता है और कोई जब इधर उधर करके और दल के हित में काम नहीं सारी रिपोर्ट आ रही है सब कुछ का आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए अब अपना कुछ बोल रहा और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया कौन कौन चीज है आप मेरे सामने सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग तो आप सोच सकते हैं जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया और वो इस दर की बात बोलता है आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग उनको कितनी तकलीफ हुई है कितना दुख हुआ है किस तरह की कोई बात बोलता है तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए अब किसी के मन में कोई रहता अपना करो भाई जहां रहना वहां रहो जाओ हो गया खत्म बीजेपी कभी कभी किया है हमारे साथ हुआ है दो तीन बार हम तो ऐसा हमको झेलना पड़ा मतलब मंत्री उन्होंने आपके कहने पर बनाया गया था तो ला कहेंगे हम काला बता अध्यक्ष बना दिए थे जो किया अरे तो आप बताइए ना भाई हाउस है इतना बड़ा अब उसमें तो बात होता ना हम तो शुरू में कह दिए थे एक का नहीं कह रहे थे आपको तो मालूम है आप सब लोगों को मालूम है ना जी जैसे ही हुआ था 19 में आकर के आप लोगों ने हमको एयरपोर्ट पर ही पूरा पूछ लिया था और हमने बता दिया था कि हम लोगों ने तय कर दिया उनका भी 17 हमारा भी 16 और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए तो हमारा एगो बनाइएगा अपना 5 गो बनाइएगा और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा तो हमने तो उसी समय तय कर दिया था कि ना अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं है नहीं किए अब वो आके अपना उसको बना दिया अध्यक्ष तो अपनी मर्जी से हो गया अब कौची कहते उसको जब हम अध्यक्ष बना दिए और तब कहा कि बन गया ठीक जब बन गया तो हमने कहा कि अब आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष पद और ललन जी को बनना तो हो गया औसत रह गए अपना जो भी करना है करिए हम तो कुछ नहीं कुछ कहते और आगे भी हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अनाप शनाप बोलना तो उससे जितने लोग हैं हमारे राज्य और देश के अंदर का जो मंत्री बन गया था आपको मालूम है दूसरे राज्य में कभी जाता था तो पार्टी के लोगों से किससे मिलता था सब कितना दुख होकर के बोला तो हर चीज जो सुनते रहे इसलिए कितनी बात आपको बतावे इसके बारे में और कुछ से कुछ जो बोलता रहता है आपको मालूम ना है जी कि हम कितना सम्मान दिए अपने यहाँ भी रखे जब हम केंद्र में थे तब यहाँ भी रखे और उसका जब बना दिए राज्यसभा का तो उसको रखने के लिए बढ़िया जगह क्या किया पूरा कैमरा आ जा रहा है।
संजय गांधी को वो जो पद पर था उसको दिला करके हमने कह दिया कि रहने देना उनको। तो आप जरा सोच लीजिए, सब कुछ तो किया हुआ है ना, आजकल कहता है कि घर मिल गया, घर मिलता है। अरे जो रहेगा एमएलए एमएलसी मंत्री उसी को ना मिलता है जी, कोई एमपी को घर मिलता है? तो ये सब सोच ना लीजिए, ये सब सब इतना इज्जत दिया गया, सब कुछ किया गया, कौन सा सम्मान नहीं दिया गया? आ कै महीना, 6 महीना हम मैंने हम अपनी जगह पर बना दिए, क्या चीज है? इतना इज्जत दिया, इतना दिया काम दिया, इतनी जिम्मेवारी दी, और यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव तक हम किसी का नहीं, विधानसभा के चुनाव में टोटल हम छोड़ दिए थे कि देखो जिसको जो करना। लेकिन सुशील मोदी, इसलिए तो जो हम घूम रहे थे तभी समझ लिए थे बुरा। सुशील मोदी की एक शिकायत है कि 12 साल रहे उप मुख्यमंत्री, आप जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दिए। और काहे के लिए बात करते हैं, जो चाहते थे वही मिलता था। हम तो इस बार भी जो सरकार बनी तो नहीं बने, हमको बड़ा खराब लगा। तो सोचे कि अब दिल्ली ले गए हैं तो दिल्ली में कुछ बनाएंगे उनको, तो वहां भी कुछ नहीं बने, तब बेचारे कुछ हम पर बोलेंगे तो इससे उनको पटिया वाला फिर कुछ इज्जत दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। चलिए नीतीश कुमार।